अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि जी सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर मैं जी बताती चलूँ कि मैंने कुछ कपड़े लेने थे ईद के लिए, और बेड कवर लेने थे, साथ कुछ जूते भी लेने थे। सबसे पहले मैं जूतों की शॉप पे आई हूँ। यहाँ पर मैंने देखे हैं डिफरेंट, बिल्कुल सॉफ्ट शॉपिंग। तो मैं कपड़े लेने के लिए आई थी, पर जूतों की दुकान नज़र आ गई तो मैं इसमें घुसी और देखने लग पड़ी, क्योंकि मुझे जूतियाँ बहुत शौक़ है। मैं जूतियाँ कलरफुल पहनूँ और इजी, जो चलने में भी आसानी मुझे दे। एक मैंने जूता पहन के देखा है, लाइट से कलर का था और ये अच्छा है, चलने में भी सॉफ्ट सा है, इसके नीचे बिल्कुल प्लेन, और बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आगे गई, मैंने कपड़ों के इस कुर्बानी वाली पे मैंने सोचा कि यहाँ भी स्टिच करवाने से बेहतर है कि मैं रेडीमेड ही ले लूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं था, शादियाँ वगैरह गुजरी हैं और मैं निकल भी नहीं सकती। दावतें अभी तक चल रही थी शादियों की, तो ये मैंने स्टिच ही कपड़े लिए हैं। ये मुझे जूती भी पसंद आ गई और बैग भी, और ये मैंने ले लिए थे। अब रेडीमेड मैंने कपड़ों की तरफ मैंने जाना है, और वहाँ भी मैं आपको शेयर करवा दूँगी। अन स्टिच भी देखे हैं, मैंने ले कर रख लिए थे, क्योंकि मैं जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं अंदर से ही निकाल लेती हूँ। ये एक कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, शॉकिंग पिंक कलर का। ये टू पीस थे सारे, और मुझे बेड शीटें भी लेनी थी घर के लिए, वो भी मैं लूँगी यहाँ से ही। गुल अहमद की बेड शीटें बहुत अच्छी होती हैं, इनका कलर फेड नहीं होता और ये काफ़ी अरसे के लिए चलते हैं। और ये मैंने थ्री पीस सूट भी देखे, इनमें से भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। येलो कलर का तो मुझे अच्छा लगा है, तो देखते हैं कि आगे आगे क्या करना है। तो बच्चों के लिए तो मैंने रेडीमेड ही लिए, अपने लिए मैंने दो तीन ले लिए। आजकल ये टू पीस में डब्बों में आए हुए थे, गुल अहमद के ना टू पीस, इनके साथ वाइट शलवारें मैच में थी, और प्रिंटेड शर्टें थी और वाइट शलवारें, चिकन की शलवारें थी, बॉर्डर शॉर्डर बना हुआ था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलो इनमें से देखती हूँ। मुझे एक दो कलर अच्छे लगे, ये भी मैंने ले लिए थे। ये कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, शॉकिंग पिंक, इसके साथ वाइट ट्राउज़र है और इसके साथ दुपट्टा भी था। ये थ्री पीस था, टू पीस भी थे और ये रीज़नेबल ही मिले हैं मुझे। अब मैं थ्री पीस मैंने कुछ परचेज़ किए हैं। ये चिकन ब्रीजा स्विस सलोन पे थे, थ्री पीस, येलो कलर में, फ्रोजी कलर में, सब ब्राइट कलर थे, और पर्पल रेड सब कलर ब्राइट थे। ये चिकन ब्रीजा और स्विस सलोन में थे, काफ़ी एक्सपेंसिव थे ये भी। और ये कुल इन्होंने ने सारे डिस्प्ले किए होते हैं, और वो सिलेक्ट करके तो यहाँ से चूज़ कर लो जो भी लेना हो। तो मैंने कपड़ा छपड़ा हाथ लगा के देख लिया था, ये स्विस सलोन के थे ब्रीजा के, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव में पड़े हैं, अच्छे भी लगे क्योंकि काफ़ी अरसा चल भी जाते हैं। गर्मियों में पता है कि पसीने से कपड़े बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, गुल अहमद के ऐसे हैं कि ये काफ़ी चलते हैं कपड़े ना। तो अब मैं बेड शीटें लेने के लिए इधर आ गई, बेड शीटें मैंने ली कुछ घर के लिए। ईद आई हुई थी, गेस्ट आने थे, शादियों पर दावतें शावतें भी करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलें कि बेड शीटें भी दो तीन ले लेती हूँ। और यहाँ आई हूँ तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी बेड शीटें, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी इसमें लगा हुआ था। बेड कवर जो मैं लेना चाह रही थी फोर पीस, क्योंकि एसी वगैरह होता है, ठंड होती है, तो वो ब्लैंकेट हल्का सा फोम का होता है तो वो ऊपर लिया जा सकता है ना, तो वो बहुत अच्छा मिलता है। माशाल्लाह बहुत बड़ी आउटलेट है, और यहाँ हर तरह के कपड़े, हर तरह के रीज़नेबल भी मिलते हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, बेड शीटें हैं, हर चीज़ मिल जाती है, ट्राउज़र शर्टें और स्टिच हुई मिलती हैं, हर तरह के दुपट्टे भी इसमें मिल जाते हैं। तो मैं एक ही शॉप पे जाती हूँ और यहाँ से मिल जाते हैं, या साया वालों से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कपड़े।
तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहीं से ख़रीदूँगा। तो यहाँ से मैंने कपड़े कुछ लिए और ये मैंने एक ब्रेज़ा का देखा है, ये फुल कढ़ाई हुई है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा, एक्सपेंसिव भी था और अच्छा भी था। तो इसमें भी कलर 3-4 ही कलर थे, वो भी मैंने देखे, सेलेक्ट करती हूँ कि कौन सा लेना है कि नहीं लेना। इसमें सारे एक कुछ ब्राइट थे और कुछ लाइट कलर थे। ये जो ब्रेज़ा वाले सूट हैं इनकी तकरीबन 8000 से अबव थी इनकी कॉस्ट और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, अच्छे भी लगे। इनके साथ जो दुपट्टे थे वो प्योर क्रिंकल के थे, वो भी बहुत अच्छे लगे मुझे। रेड कलर में भी अच्छा लगा और कुछ गर्मियों में ज़्यादा ही ब्राइट हो गए और मैं देख रही थी कि कुछ लाइट सा कलर मिले। यहाँ पर मैंने देखा है ये कुर्तियाँ थी, सिंपल स्टिच हुई कुर्तियाँ और उनके साथ ट्राउज़र मैच करने थे। ये भी मैं साथ साथ देख रही थी कि मैं ये भी परचेज़ कर लूँ। ये जो सारे कुर्ते हैं ये 3000 के रेंज में मिल रहे थे और इनके ट्राउज़र अलग से मैच करने थे। और यहाँ पर मैंने एक और जगह जूती सेलेक्ट की है, ये भी मैंने पहन के देखे, थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, खुली खुली लग रही थी। यहाँ पर जी मैंने कपड़े सारे सिलेक्ट कर लिए थे और मैं अब बिल बनवाने के लिए काउंटर पर आई और बिल बनवा रही थी और ये वन बाय वन मेरे मुझे दिखा भी रहा था कि ये लिया ये लिया और ये बिल भी मुझे बना के दे रहा था। बनेंजा वालों से भी मैंने लिए हैं, सतरंगी से और कुछ मैंने लिए इधर से गुलेमत से, ये सारों पर मैंने बिल बनवा लिए थे। यहाँ पर जी हमारी ईद की शॉपिंग कम्प्लीट हुई और हमने ये सब ख़रीद लिए और नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंशाल्लाह मैं ये सारे स्टिच होके दिखा दूँगी, जो मैंने स्टिच लिए हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये ईद पे ज़रूर पहन के मैं आपसे एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी। और जो मेरे चैनल पे हैं प्लीज़ प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।